मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। बुंदेलखंड के लोगों को शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिए काम जारी है। विंध्य क्षेत्र के लिए हमारी कार्य योजना तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम शीघ्र ही इसके शिलान्यास का आग्रह करेंगे। अगले चरण में प्रदेश के आर्सेनिक एवं फ्लोराइड के प्रभावित जिलों और डार्क जोन वाले क्षेत्रों में भी शुद्ध पानी मुहैया कराएंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को यहां अपने सरकारी आवास पर ग्राम स्वराज अभियान कार्यक्रम के तहत सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवनों के लोकार्पण कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। इस अभियान के तहत 75,000 से अधिक सामुदायिक भवन और शौचालय बनने हैं। इसके निर्माण में 7,053.45 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सामुदायिक शौचालय बहु बेटियों की सुरक्षा और सफाई के लिहाज से मील का पत्थर साबित होंगे। सफाई का स्वास्थ्य के लिए क्या महत्व है, इसका सबूत पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मासूमों के मौत के घटते आंकड़े हैं। बेहतर सफाई और इलाज की व्यवस्था में हम इन मौतों को 95% तक घटा सके हैं। यही नहीं, इनकी साफ सफाई में करीब 2,00,000 लोगों को, खासकर महिलाओं को गांव में रोजगार मिलेगा। ये महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन और सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा कदम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक भवनों को हम मिनी ग्राम सचिवालय का स्वरूप देंगे। इनको ऑप्टिकल फाइबर और हाई स्पीड इंटरनेट कंटिन्यूटी से जोड़ेंगे। गांव वाले को जाति, आय प्रमाण जैसे प्रमाण पत्र वहीं उपलब्ध होंगे। इसके लिए उनको तहसीलों का चक्कर नहीं लगाना होगा। हर पंचायत भवन में एक महिला बैंक सखी होगी। गांव के लोग उससे ही पैसे का लेन देन कर सकेंगे। इस तरह ये भवन स्थानीय स्तर पर रोजगार का भी जरिया बनेंगे। योगी जी ने कहा कि ग्राम स्वराज गांधी जी का सपना था। प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में गाँव और किसान को केंद्र बनाकर शुरू की गई योजना से हम इस सपने को साकार करने का प्रयास जारी है। सफाई आदत बनी तो खत्म हो जाएंगे कई रोग। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बेहतर काम करने वाली महिलाओं से बातचीत करते हुए कहा कि आप सफाई के काम को आगे बढ़ाएं, इसके बावजूद लोगों को भी प्रेरित करें। अगर लोगों ने सफाई को अपनी आदत का हिस्सा बना लिया तो इससे होने वाले अधिकांश रोग अपने आप खत्म हो जाएंगे। आप सभी लोगों की सोच बेहतर है, निश्चित ही इससे और लोग भी प्रेरणा लेंगे। आपके हर बेहतर काम के सरकार हर संभव मदद करेगी। इस दौरान जिन लोगों से मुख्यमंत्री ने बात की उनके नाम हैं अलीगढ़ के अतरौली ब्लॉक के गांव खेड़ा ग्राम पंचायत के दयानंद, स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष नीरज कुमारी और सफाई काम देखने वाली पूनम देवी, गोरखपुर के पिपराइच ब्लॉक के उनौला ग्राम पंचायत के प्रधान सुधा सिंह, ललितपुर के मड़वारा ब्लॉक के ग्राम पंचायत भगौनी प्रधान रुचिका बुंदेला, प्रयागराज के ब्लॉक होलगढ़ के ग्राम पंचायत के प्रधान सुमंत लाव तिवारी और मिर्जापुर के ब्लॉक सिघड़ के ग्राम पंचायत कथेरवा की प्रधान सपना सिंह। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के विभागीय मंत्री और शासन के वरिष्ठ अधिकारी और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। एक सुंदर कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब सुनने आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन लेने आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा मांगने आए हैं। मैं अपने दोनों भारत सरकार के मंत्रियों से सादर अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश पेयजल के क्षेत्र में भी सखावसा बहुत पिछड़ा है। यहाँ का बुंदेलखंड, यहाँ का विंध्य क्षेत्र और पूर्वांचल भी पेयजल की दृष्टि से बहुत पीछे है। आपकी विशेष कृपा रहे जिससे राजस्थान के समकक्ष हम पेयजल की समस्या के निदान में आपकी कृपा से कामयाब हो सके। और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी की यहाँ के हमारे प्रभारी रहे हैं, उनका बहुत मार्गदर्शन हमें मिला है, उनका नेतृत्व मिला है, उनकी भी कृपा ग्राम विकास विभाग और पंचायती राज पर मिलती रहे, ये मैं उनसे निवेदन करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके कुशल मार्गदर्शन में हम सब कार्य करते हैं, उनकी सदैव कृपा रहती है। हम सबका जो विभागीय अनुरोध होता है उस पर गोदोष के आधार पर वो विचार कर जन कल्याण की दृष्टि से जो भी हमारा अनुरोध होता है उस पर उनकी कृपा मिलती है, उनकी अनुमति मिलती है, उनकी आज्ञा मिलती है, उनका प्रोत्साहन मिलता है। मैं हृदय से नवरात्र के इस पवित्र माह में जहां महाराज जी के का चरण स्पर्श करते हुए उनका आशीष मांगता हूँ, माँ भगवती से सबके कल्याण की प्रार्थना करते हुए पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को उस सफलता के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। और ग्राम्य विकास विभाग और पंचायती राज विभाग, हम दोनों माननीय जो मंत्रीगण हैं आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो भी निर्देश उत्तर प्रदेश की विकास की दिशा में प्राप्त होगा उसका अक्षरशः पालन हमारा विभाग सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद।
ने कहा था कि शौचालय का निर्माण केवल पहली पायदान थी, अब यहाँ से प्रारंभ होकर के और संपूर्ण स्वच्छता की तरफ जाना है। और संपूर्ण स्वच्छता का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था, उन्होंने कहा था कि सत्याग्रह से लेकर के हम स्वच्छाग्रह तक जाएंगे, और सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह का जो उन्होंने संकल्प किया उसमें हम गांव को ठोस कचरे और तरल कचरे इन दोनों से मुक्त करें, इसके संपूर्ण प्रबंधन के लिए काम करें, और आने वाले 4 साल में हम अपने गांव को स्वच्छता के दृष्टिकोण से आदर्श गांव ऐसा बना सके, ऐसा लक्ष्य लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में ये जो सार्वजनिक शौचालय बनाए जा रहे हैं, इनमें उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम कर रही है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश आज देश में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में पहले नंबर पर पूरे देश में आए। आगामी 100 दिनों देश के प्रत्येक गांव में आंगनबाड़ी और विद्यालय तक हम स्वच्छ पानी को उपलब्ध कराएं, ताकि प्रत्येक गांव और आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले, विद्यालय में पढ़ने वाले हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनका स्वच्छ पानी मिलना अधिकार है, उनको हम निश्चित रूप से ये सहयोग दे पाए, ये सुविधा उपलब्ध करा पाए, ताकि घर से बाहर भी उनको स्वच्छ पीने का पानी मिले और वो बीमारियों से, कुपोषण से मुक्त हो सके। हम सब मिलकर के अगले 100 दिनों में इस लक्ष्य को भी पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ, ऐसी अपेक्षाओं के साथ एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, खूब सारा धन्यवाद, जय हिंद। समृद्धि और संस्कृति के भाग तथा देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के नागरिकों के जीवन में स्वच्छता के महत्व को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के जनपदों में स्वच्छ भारत मिशन के सपनों को साकार रूप प्रदान किया जा रहा है। स्वच्छता सभ्य समाज की सबसे बड़ी पहचान तो है ही, किसी के साथ आज की सबसे बड़ी जरूरत भी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जनपदों में व्यक्तिगत शौचालय श्रेणी के 2,17,84,662 व्यक्तिगत शौचालय निर्मित किए गए तथा निगरानी समितियों के माध्यम से व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित कर उसकी सतत उपयोगिता भी सुनिश्चित की जा रही है। मिशन के दूसरे महत्वपूर्ण घटक सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण की माननीय प्रधानमंत्री जी की जनवरी 2020 की अपील को अमल में लाते हुए जनपदों में सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के गली गली गांव गांव में जन जन को घरों में टॉयलेट बनाने का अभियान चलाया। प्रदेश में कुल 56,960 सामुदायिक शौचालय के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमे स्वच्छ भारत मिशन ग्राम एवं वित्त आयोग के साथ साथ मनरेगा की धनराशि से अब तक 18,847 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवं 35,058 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास किया जा रहा है, जिन्हें अगले 2 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। इनके रख रखाव के लिए स्वयं सहायता समूह से प्रत्येक पंचायत के लिए 1 महिला कर्मी को भी रखने का निर्णय लिया गया है, जिसे प्रतिमाह 6,000 रुपए का भुगतान मानदेय के रूप में वित्त आयोग की धनराशि से किया जाएगा। जंगल गांव हम कम, खेत बाड़ी गांव हमको कम, सुधा लगी शरीर में, हवा बन हाथ पान धोवा बाहर है, कोई रिश्तेदार है, कोई गली का चलाइया या सुनता। गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश के जनपद क्रमशः प्रयागराज, हरदोई एवं फतेहपुर का गरीब कल्याण योजना अभियान में संपूर्ण देश में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही देश के जनपदों में सामुदायिक शौचालय निर्माण में सबसे अधिक शौचालय बनाने में जनपद बरेली एवं अलीगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय रहे हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का सपना है कि उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में स्थित कार्यालयों को सचिवालय के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान हो सके। उनका मानना है कि स्थानीय लोग भी अपनी समस्याओं का बेहतर समाधान निकाल सकते हैं।
और देश जिसे हम बात करते हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है उत्तर प्रदेश की। ग्राम पंचायतों के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश के सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में स्थापित करने की एक बड़ी चुनौती हम सब के सामने है। अगर विकास सब कुछ करना है, विकास की भूमि को हमें ग्राम सभा को बनाना होगा, और ग्राम सभा को पूरी बनाकर के जब हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो वास्तव में विकास आम जन समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। हम देखते हैं कि प्रदेश में 24,877 ग्राम पंचायतें पंचायत भवन विहीन है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 12,446 पंचायत भवनों को बनाने के साथ प्रदेश सरकार द्वारा शेष 44 जनपदों में भी 12,264 पंचायत भवनों के निर्माण का संकल्प लिया गया तथा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना से 2,088 पंचायत भवनों एवं जिला योजना से 89 पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। से 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास एवं 377 नई पंचायत भवनों का लोकार्पण दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमरों द्वारा किया जा रहा है। यह पूरा कार्य लगभग 7,002 करोड़ का है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत 26 जून 2020 को प्रवासी मजदूर व स्थानीय मजदूरों को वर्षा काल जिसमें रोजगार कम हो जाते हैं रोजगार के विशेष अवसर खोलने के लिए किया गया है। इन कार्यों से प्रत्यक्ष रूप से लगभग 7 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित होंगे, जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान से आच्छादित 31 जनपदों में वापस लौटे 34 लाख कामगार भाइयों व बहनों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के साथ प्रदेश के 44 अन्य जनपदों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ अवस्थापना सुविधाओं के विकास में सहयोगी होंगे। मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालयों के लोकार्पण व शिलान्यास के। माननीय मुख्यमंत्री ब्लॉक में सुधा सिंह ग्राम पंचायत के प्रधान हैं मुनौला ओएम की, और ये एमएड हैं और वहाँ पे एक नीना थापा उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसकी प्रधानाध्यापिका भी हैं। अपने गांव में स्ट्रीट लाइट, हर जगह घर में पीने के पानी की व्यवस्था और टॉयलेट वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था इन्होंने की है। मैं अनुरोध करूंगा सुधा सिंह ग्राम प्रधान पिपराई। हाँ नमस्ते सर, मैं मुनौला गोयम की ग्राम प्रधान हूँ। हाँ। 10 हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल। बहुत सुंदर। सर, हमारे विद्यालय में आपके सहयोग से सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी के मॉडल पोखरे का सौंदर्यीकरण, विधायक निधि से सड़के, सांसद निधि से सड़के, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट और शुद्ध पेयजल, कूड़ेदान, सारी व्यवस्था है सर। मेरे गांव की सड़क बहुत खुशहाल है। मैं उसके लिए आपको बहुत बधाई देती हूँ सर। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप हमारे प्रदेश के ऐसे मुखिया मिले हैं। ये जो है जो सामुदायिक शौचालय बना है, इसके साफ सफाई भी होती है? जी सर, जी सर। इसके लिए प्रगति समूह की एक महिला, विधवा महिला चार्टी को रखा गया है, जिसे 6,000 रूपए मानदेय दी जाती है सर, और वो पूरी साफ सफाई की व्यवस्था करती है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए, आपका आपका जो गांव था पहले बिल्कुल जंगल में था। जी सर, लेकिन और आपका ही देह में सिर्फ मेरा गांव सर है। अब तो बिल्कुल जो है आगे है, अब गांव की जनता आपकी बहुत आभारी है, बहुत खुशहाल है सर। आप लोगों ने देखिए सरकार की योजना का लाभ लिया। हाँ, आज सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है
तो उससे आपका गांव भी अब आगे की पंक्ति में खड़ा हो गया है। जी सर, आप ही के सहयोग से मेरे विद्यालय में, मेरे गांव में केंद्रीय विद्यालय, हाँ केंद्रीय विद्यालय भी वहां बन रहा है। बहुत सुंदर, बधाई देता हूँ मैं आपको। हाँ बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी ग्राम पंचायत को। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका और माननीय प्रधानमंत्री जी के हम बहुत आभारी हैं कि आप लोग जैसे हमारे देश के मुखिया मिले हैं सर, हमारे गांव के साथ साथ हमारा देश खुशहाल हो सर। बहुत बहुत आभारी सर हम हैं और आपके सहयोग अभिनंदन सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे बुंदेलखंड के को आशीर्वचन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री। सामुदायिक शौचालय तथा पंचायत भवनों के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअल संवाद से हम सबके साथ जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, जनपद स्तर पर आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए मेरे सभी सहयोगी जनप्रतिनिधिगण, मान्य सांसदगण, मान्य विधायकगण, ग्राम प्रधानगण, अन्य हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आभारी हूँ मान्य तोमर जी का और मान्य शेखावत जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार के इस अभियान को अपना मार्गदर्शन और अपना आशीर्वाद दिया है। यद्यपि अपने सकारात्मक सोच और उत्तर प्रदेश के प्रति विशेष लगाव के कारण हमारे दोनों केंद्रीय मंत्रियों का निरंतर सहयोग उत्तर प्रदेश की सरकार को और उत्तर प्रदेश की जनता को प्राप्त होता है और आज इस संक्षिप्त कार्यक्रम को उन्होंने अपना अमूल्य समय अपनी व्यस्तता के बावजूद हमें दिया है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज शारदीय नवरात्रि की जो तीसरी तिथि है, इस अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की अपनी बधाई देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज प्रदेश में 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण हो रहा है, 18,847 सामुदायिक शौचालयों का लोकार्पण भी हो रहा है, साथ साथ 21,414 का शिलान्यास और 35,058 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास का कार्यक्रम भी एक साथ संपन्न हो रहा है। ये कार्यक्रम शिलान्यास और लोकार्पण का नहीं, एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को तेजी देने के लिए तिथि हम लोगों ने निर्धारित की थी कि हम प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित अभियान को 100% सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें, इसलिए एक निश्चित तिथि में इनके शिलान्यास के लिए एक तिथि आयोजित करेंगे और वह कार्यक्रम आज यहाँ पर चल रहा है। आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इसके साथ ही ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं है, स्वच्छ भारत मिशन में 2,61,00,000 से अधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं और तय लक्ष्य से एक वर्ष पहले हम लोगों ने इसे प्राप्त भी किया है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 से यह अभियान प्रारंभ हुआ था और 2 अक्टूबर 2019 तक
इसे संपन्न होना था। पहले 2.5 वर्ष में जो गति थी बहुत कम थी, अगले 2.5 वर्ष के दौरान इस कार्य को पूरा करना था। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि पहले 2.5 वर्ष में काम बहुत कम हो पाया था, अगले 2.5 वर्ष के लिए जो लक्ष्य हमारे सामने था इसको कैसे हम पूरा कर सकें। और इसमें भी भारत सरकार की तरफ से लक्ष्य हमारे सामने आया कि इसे 1 वर्ष पहले ही संपन्न करना है। मैं प्रदेश के अपने सहयोगी मंत्रियों को और विभागों को, ग्राम्य विकास को भी, पंचायती राज को भी, कि भारत सरकार से जब भी हमने जो सहयोग मांगा हमें प्राप्त हुआ और अगले 1.5 वर्ष के अंदर ही हम लोगों ने 5 वर्ष के कार्य को पूरा करते हुए प्रदेश को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त करने में सफलता प्राप्त की। स्वच्छता की कीमत क्या हो सकती है, मुझे लगता है कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज्यादा इसके महत्व को दूसरा नहीं समझ सकता। स्वच्छ भारत मिशन के कारण इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़ों को हम लोगों ने 95% कम करने में मदद की है। जिन क्षेत्रों में सैकड़ों मौतें होती थी, खासतौर पर मस्तिष्क ज्वर से, आज वे मौत के आंकड़े न्यूनतम स्तर पर आ चुके हैं। ये स्वच्छ भारत मिशन और इसके कारण होने वाले स्वास्थ्य के व्यापक परिवर्तन के वे आंकड़े हैं जिन्हें मैं नहीं कह रहा हूं, आज यूनिसेफ भी इस बात को खुले मंच से कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन ने कितनी ज्यादा प्रगति की है। दूसरा, ये हमारे लिए रोजगार देने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, और खासतौर पर रोजगार देने का माध्यम इसलिए प्रदेश के अंदर जो लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें हैं जहां सामुदायिक शौचालय निर्मित हो रहे हैं, यानी 59,000 के आसपास यहां पर इतने नए रोजगार सृजन होंगे सामुदायिक शौचालय में। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से एक एक महिला को वहां पर रोजगार भी प्राप्त होगा, यानी 59,000 के आसपास रोजगार एक साथ हम इसके साथ देने जा रहे हैं। साथ ही यहां पर जो ग्राम सचिवालय पंचायत भवन के रूप में बन रहे हैं, गांवों के सार्वजनिक कार्यक्रमों को, मांगलिक कार्यक्रमों को संपन्न करने और गांव के प्रतिदिन के रूटीन के कार्यों को भी संपन्न करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आने वाले समय में हम लोग सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं, यानी एक मिनी सचिवालय का काम एक ग्राम सचिवालय का काम ये करेगा। गांव में ही आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ये सब तो बनेंगे ही, लेकिन साथ साथ बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के रूप में भी एक महिला को वहां पे रोजगार के सृजन की व्यवस्था, बैंकों में भीड़ नहीं लगे, बैंकों की भीड़ भी कम हो, बैंक अपने दूसरे कार्यों को, दूसरे बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ साथ गांव में ही लोगों को पैसा जमा करने और निकालने की सुविधा प्राप्त हो सके, इसलिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी ग्राम सचिवालय के साथ जुड़े, इस एक बृहद कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 59,000 ऐसी महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को यह रोजगार भी गांव में ही प्राप्त हो सकता है। बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। मुझे लगता है कि ग्रामीण स्वावलंबन और जो इस समय अभियान प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का लिया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा भी है, महिलाओं के सम्मान का भी है और महिलाओं के स्वावलंबन का भी है, तो ये स्वावलंबन का एक कार्यक्रम उनकी सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान के साथ भी जुड़ा हुआ है और उनके स्वावलंबन के साथ भी एक कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। इसके लिए मैं प्रदेश के सभी बहनों को अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर महिलाओं में विकास के प्रति बहुत जागरूकता है, और उस जागरूकता का ही परिणाम है कि प्रदेश में, यद्यपि मांग तो बहुत होती है कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और पंचायतों में आरक्षण दिया भी गया, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, खासतौर पर हमारे जो केंद्रीय मंत्रीगण हैं माननीय तोमर जी और माननीय शेखावत जी, मैं उनको बता रहा हूं कि हमारे प्रदेश में 43% महिला ग्राम प्रधान है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रगति की सोच महिलाओं के माध्यम से किस रूप में सामने आ रही है, और इसीलिए संवाद के इस कार्यक्रम के साथ उन्होंने अपने अपने गांवों के बारे में और क्या क्या सुविधाएं उन्होंने गांवों में दी हैं, एक रुचि के साथ वह
हमारे सामने आई बातें सामने आई हैं। आज के इस अवसर पर मैं इस अवसर पर जो हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने जो बातें कही हैं, मैं माननीय शेखावत जी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश के अंदर हर आंगनबाड़ी में और हर स्कूल में अगले 100 दिन के अंदर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता की एक पूरी व्यापक कार्य योजना राज्य सरकार ने बना ली है और हमने एक टारगेट दे दिया है हर विद्यालय में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए। कार्यक्रम हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। हर घर नल की योजना बुंदेलखंड में युद्ध स्तर पर चल रही है। बिंद क्षेत्र की हमारी कार्य योजना तैयार हो रखी है। हम बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आपसे समय लेकर के बिंद क्षेत्र की पाइप पेयजल की योजना को अभी शिलान्यास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने इसकी पूरी कार्य योजना हमारी हो चुकी है। ये FC हमारी लगभग संपन्न हो चुकी है। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो फाइनेंस के हैं उनको थोड़ा कोविड पॉजिटिव के समय बहुत कोविड पॉजिटिव हुए हैं इसलिए थोड़ा कार्य इस समय रुका है, लेकिन सामान्य रूटीन के कार्य हमारे निरंतर चल रहे हैं और हम शीघ्र इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित गाँवों में, आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित गाँवों में और अन्य डार्क जोन से संबंधित गाँवों के लिए भी हम लोगों ने अपनी एक कार्य योजना तैयार कर दी है। ये पेयजल की स्कीम भी उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की का जो सपना है उसके अनुरूप हम इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछले 3-3.5 वर्षों में 30 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की है और मैं आभारी हूं माननीय तोमर जी का जिन्होंने इस बार फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को अच्छी संख्या में आवास उपलब्ध करवाए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर स्वामित्व योजना के अंतर्गत भी कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं और हमारा प्रयास है कि ये हर एक ग्रामीण में गाँवों में हर व्यक्ति को, क्योंकि अब तक गाँवों में जो भी गांव का व्यक्ति रहता था स्वाभाविक रूप से जो ग्राम पंचायत की भूमि होती थी आबादी की के नाम पर वो भूमि दर्ज होती थी, आबादी की उस जमीन पर उसका मकान बनता था, उसका स्वामित्व उसके पास नहीं होता था। कभी मकान जर्जर हो गया, टूट गया, टूटने के बाद वह फिर से बनाने का की कोशिश करता था तो उस समय उसके सामने समस्या आती थी। इस स्वामित्व योजना उसके मकान का मालिकाना हक उसे देने के लिए बहुत अच्छी योजना है और इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। हम एक समय सीमा के अंदर इसको पूरा करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के स्वावलंबन के साथ और उनके सम्मान के साथ और उनकी सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई जो एक बहुत सामान्य सी चीज़ थी जिसके कारण तमाम विवाद खड़े होते थे, मुझे लगता है कि स्वामित्व योजना बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगी। मैं इसके लिए जितनी भी ये अच्छी योजनाएं प्रदेश के अंदर भारत सरकार के द्वारा दी गई हैं इनको हम सफलतापूर्वक लागू करेंगे। मैं एक बार फिर से प्रदेश के अंदर एक साथ जो आज 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास हो रहा है और 35,058 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास हो रहा है, ये सभी एक समय सीमा के अंदर मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए सभी ग्राम पंचायतें बनाएंगे। दूसरा, हमारे माननीय विधायकगण और माननीय सांसदगण भी इस अवसर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि सभी जिला प्रशासन उनका, हमारे जनप्रतिनिधियों का विजिट भी अगर ग्राम पंचायतों का करा करके जमीन का, स्थल का और आवश्यकता पड़ती तो वहाँ पे नारियल फुड़वा करके इस कार्य का शुभारंभ उनके हाथों से वहाँ पे भी करा सकेंगे तो एक अच्छी शुरुआत होगी। कार्य में तेजी आए, कार्य मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ सकें इसको हम ध्यान में रखें। दूसरा, जहाँ पर सामुदायिक शौचालय निर्मित हो चुके हैं 18,847, इनमें महिला स्वयंसेवी समूह से किसी एक महिला को, जैसे बहुत सारे ग्राम पंचायतों में चयन हुआ है, वहाँ पर उनका चयन करना और चयन करने के साथ ही 6,000 रुपये हर माह उन्हें प्रदान करने की व्यवस्था देना जिससे साफ सफाई की एक नियमित व्यवस्था भी इन सामुदायिक शौचालयों में हो सके या सुनिश्चित करने का दायित्व भी ग्राम पंचायत को देकर के हम व्यवस्थित रूप से इसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। निश्चित ही
ग्राम स्वराज की बापू के उस सपने को साकार करने का एक अवसर है और ये सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के, माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अपने दोनों विभागों से जुड़े हुए मंत्रियों को और विभागीय जो अधिकारीगण हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सभी हमारे चुने गए जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, सभी सम्मानित ग्राम प्रधानगण, इन सबको भी मैं बधाई देता हूँ कि सफलतापूर्वक इन योजनाओं को लोग अपने अपनी ग्राम पंचायतों में लागू कर रहे हैं और निश्चित ही ग्राम पंचायत इसके माध्यम से न केवल विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ेंगी बल्कि ग्राम स्वराज का सपना भी इसके माध्यम से साकार होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का।